पागल बना रहे तो बनने का नहीं, शिक्षा मिल रहा जिसको उसको बेटा पढ़ने का नहीं, पढ़ ले पहले बाप से आके लड़ने का नहीं, गलत रास्ते को चुन के आगे बढ़ने का नहीं, तेरी सोच है खोज पहले दिखता नोट, म्यूजिक बनाते साले करे प्रमोट, फिर भी रिमोट तेरे भाई के हाथ में, आजा पिक्चर दिखाऊंगा तू बैठ जा साथ में। जेब में था चिल्लर साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्त। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का कोरोना वायरस नहीं बेटा ये कर्मा है, धरती का गुस्सा है सबको ही डरना है, अब से नहीं करना है पृथ्वी को गंदा, सब कुछ छोड़ के चल घर बेटा बंदा, चल बेटा बन जा सही नागरिक, इंतजार है उस तारीख कब होगा सही जब होगा सही, सबकी जुबान पे एक ही सवाल है नहीं, घर बेटे मैं से करो क्यों करे दिमाग का धाई, बीमारी फैलेगा नहीं, कॉल करो बात करो अगली को मिस करो, फेमस होने का तो मेरे को डिस करो, कुछ भी करो पर घर बैठो किस करो, मम्मी और पापा को काम करो मिस करो। सो हेलो गाइज, हाजिर है एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। आई होप कि आपको जो आगे का इंट्रो था काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ये कहानी शुरुआत हो चुकी है यार, कहानी और ये गेम प्ले शुरुआत हो चुका है हमारा। और इस गेम प्ले के अंदर मेरे साथ क्या हुआ देखो, हमने डिसाइड करा था कि यार हम लोग जाएंगे इनोवो, और एक्चुअल में पता ही नहीं कि किसने किसको फॉलो करा है, तो हमें पता चलता है कि भाई हमने जो है रोनी को फॉलो करा है, और रोनी को भी नहीं पता था कि यार हमने उसे फॉलो करा है। तो फिर होता क्या है, स्कूल आ जाते हैं और स्कूल में चलती है हमारी लूट। तो भाई कभी कभी आपने सोचा है या देखा है कि भाई ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भरा है, क्यों? क्योंकि अब जो होने वाला है वो देखो, जब स्कूल से हम लूट के जा रहे होते हैं मतलब वो बंदा लिटरली मुझसे बचा बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने एंड ऑफ द बिल्कुल पॉइंट पे आके उसे नॉक कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि कोई बंदा अगर नॉक हो जाता है तुमसे तो उसकी टीम पूरी की पूरी पैनिक हो जाती है, जिसका पूरा पूरा फ़ायदा हमने उठाया। और देखो मैं कोई पूरा भसड़ गेम नहीं खेलता हूँ, मैं पूरा हिसाब किताब लगाता हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे कॉम्पिटिटिव भी खेलना है, तो इसलिए भाई मुझे घुसना नहीं रहता है, मैं अपना गेम प्ले बना रहा हूँ क्या कि भाई एकदम से मुंह पे नहीं घुसना है, जब हमें मौका मिले तभी हम जो है पूरा फायदा उठाएं उस चीज का। अब उतनी देर में ऊपर जो बंदा था उसको मैंने देखा, उतनी देर में मेरे जो टीममेट्स थे उसे निपटा दिया, लेकिन फिर हमें एक फ्री का किल मिल जाता है जो कि इस बोट को मार के मिला। तो भाई जब आपके टीममेट आपका काम कर देना तो जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। अब कुल मिला के भैया इनको इनकी जो स्क्वाड थी वो पूरी निपटा दी गई है, और अब हम डिसाइड कर चुके हैं आगे चलना है और बंदों को ढूंढना है, और मेन हमारा मकसद है चिकन डिनर, और आगे चल के जो भी हम कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलेंगे उसमें भी यही मकसद रहने वाला है, चिकन डिनर किल्स। और अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव खेलते हो तो यकीन मानो गाइस, आपका पोजीशन आपके किल्स इतने मैटर नहीं करते, लेकिन जितने मैटर आपकी पोजीशन मैटर करती है। अगर आप चिकन डिनर जीत जा ले जाते हो, अगर आपके जीरो किल भी हैं फिर भी आप वो मैच जीत जाते हो, तो ये बहुत बड़ा है। तो अभी फ़िलहाल तुम देख रहे होगे कि एक कार जा रही है एनिमी की, जो कि हमें दिखी, पर बंदे साले क्या बोलो यार, मैंने मेरी बात नहीं सुनते, फिर यहां जो फ्लेयर आई थी इन पे धाबा बोलने लग गए। अब जो चीज़ यहां फाइट हुई वो देखो, भाई इनका एक बंदा बच के निकल गया। अब वो बचने वाला नहीं है, उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है, जो कि रास्ते में होने वाली है। अब ये खुद ही देखो, मतलब भाई समझ नहीं आ रहा था, सस्ते नशे करके बैठा था, ये वही बंदा था या बोट था पर पता नहीं, पर मुझे जहां तक लगा कि ये बोट नहीं था, क्योंकि इसके जो मूवमेंट थे वो बिल्कुल ऐसा प्लेयर की तरह था। और यहाँ पे भी तुम्हें देखना नशे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पोचंकी के रास्ते जब हम आ रहे थे तो हमने ड्रॉप मिला और एक गाड़ी आ गई। और भैया इनकी पेटी जो बना दी, मतलब ये तो फ्री में मारे गए एकदम। और ये देखो
मतलब हमारे टीममेट लॉन्डो के स्टंट देख रहे हो ना पूरे, बिल्कुल भरपूर। और एक और गाड़ी आगे थी, एक पीछे थी। मतलब भाई इसको मजबूर कर दिया हमने गाड़ी से कूदने में। और यहाँ पे आगे चल के इतना ही नहीं, अभी और पिलने वाले हैं। भाई बैठे बैठे मतलब सबको मार दिया। और देखो मेरा मेन मोटिव है कि भाई गेम प्ले दिखाऊं, बकवास नहीं। यहाँ पे भी तीन बंदे थे जिनको हम देखो किस तरीके से मारेंगे। अब भाई शुक्र करो कि मैं जो नेड आया था उस नेड से मैं फिनिश नहीं हुआ। मेरे को चैलेंज किया गया था कि जाके मार भाई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो दो थे। और देखा कि अगर तुम बिना सोचे समझे घुसते हो तो तुम्हारे साथ ये होता है। और कॉम्पिटिटिव के अंदर तुम्हें फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। फिर क्या, फिर हम निकल पड़ते हैं अलग। और यहाँ पर हमें एक ड्रॉप मिल जाता है जिससे मेरी हेलमेट वेस्ट का पूरा इंतज़ाम हो जाता है। और अब जो शॉट्स मैं मारूँगा वो शॉट्स जो मैं देखने लायक होंगे कि भाई यार मेरे तो समझ नहीं आता टीममेट्स जो होते वो इंतजार किस बात का करते हैं। वो उसका हमें आ रहा इंतजार कर रहा था। अब ये भैया पता नहीं कौन सा गांजा फूक के लेटे थे, इन्हें पता ही नहीं है कि भैया हम लेटे कहाँ पे हैं। मतलब सब दिख रहा है, खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। और फिर क्या था, हेडशॉट खाना था उन्हें। और अभी जो लास्ट वाले बंदे को जो मैं मारूंगा ना भाई, तुम खुद यकीन करना कि कितना गंदा मारा मैंने उसे। मतलब मज़ा आ गया यार उसको मार के, एकदम शांति मिल गई मुझे भाई। तुम लोग कह रहे थे ना कि भाई ओम यूज़ करो ओम यूज़ करो, तो भाई तुम्हारा भाई ओम यूज़ करने लग गया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जैसा कॉमेंट करके मुझसे बोलोगे भाई तुम्हारा वैसा काम करेगा। तो यार अब जो फाइट यहाँ पे चलेगी वो देखो, क्योंकि एक बंदा बचा है और मैंने लॉन्डो से बोला है कि भाई अकेले मुझे मारने दो, वो भी फ्लिकर शॉट, समझ रहे हो, जो हम TDM में एज ए क्रॉसियर का यूज़ करते हैं। और यकीन मानो ये जो हेडशॉट, जो ये लास्ट वाला जो हेडशॉट मैंने मारा है बंदे को, मतलब इसकी वजह से मुझे ये गेम प्ले डालना पड़ा। और फाइनली यार विनर विनर चिकन डिनर। आई होप कि आपको ये गेम प्ले बहुत अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। और आपकी फेवरेट स्नाइपर कौन सी है जरा वो भी बताओ। एंड जो हमारी पिछली वीडियो का यूसी विनर है इस चैनल के ऊपर, उसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब से हमारे चैनल के ऊपर डेली वीडियोज आते रहेंगे, अगर डेली नहीं भी आए तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आते रहेंगे। और अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे भी यूसी, तो भाई अपनी पबजी वाली आईडी और करेक्टर नेम पेस कर रहा है इस आईडी कमेंट सेक्शन में, जिससे इन फ्यूचर जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को सिलेक्ट कर पाऊं। तो जिसको भी भाई ये गेम प्ले अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। क्योंकि देखो मैं इस फील्ड में नया हूं, क्योंकि मैं गेम प्ले वीडियोज नहीं बनाता हूं, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरे गेम प्ले देख के बोर ना हो, पूरा इंटरेस्ट बना रहे। और आपका टाइम जो कोरोना वायरस से मतलब घर में बोर हो रहे हो ना, मेरी वीडियोज देख के कटता रहे, मैं बस यही चाहता हूं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेक श्योर 500 लाइक का टारगेट है, करा देना। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में।